मैं आपको कहना चाहता हूं और बहुत समझदारी के साथ इस बात को याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। आपने हमें कारोबार किया कोई और उस पर टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया, और काले पैसे को ही अगर आपने बाजार से कोई चीज सामान खरीदा या कुछ किया और उस पर टैक्स दे दिया तो वो सफेद हो गया। ऐसा गुमराह कर दिया लोगों को कि न जाने कितना पैसा आ जाएगा। अब तो कम से कम इनको जवाब देना चाहिए कि उनके बैंक के खजाने में कितना पैसा काला धन और कितना पैसा भ्रष्टाचार वाला है, लेकिन कोई नहीं। अरे हम तो कहते हैं जो 2000 रुपया छपाए भी वो सिदौली की जनता से पूछ लेते तो शायद राय देते अच्छा छपाते नोट। बताओ 2000 का नोट कैसा छपा दिया, कैसा है रंग का छपा दिया। कई बार लोग कहते हैं कि वो छूने वाला लगता है 2000 रुपया। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं इनसे सावधान रहना, ये बहुत ही अलग तरह के लोग हैं बीजेपी के लोग। ये हमारा देश हमारा प्रदेश आगे बढ़े हम चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना है, आपके सड़क बिजली पानी का इंतजाम होगा तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10वां और 12वां पास कर करके भी अगर कोई अपनी मेहनत करके अगर 10वां 12वां पास कर करके अगर कोई मेहनत करना चाहता है और कोई नौकरी या रोजगार की तरफ जाना चाहता है तो जरूर सरकार की तरफ से हम इंतजाम करेंगे आने वाले समय में नौकरी और रोजगार नौजवानों को कैसे मिल सके और अच्छी पढ़ाई कैसे हो सके उसका इंतजाम करने का काम करेंगे। वही हमारे माताएं बहने, कोई माता बहना जो गरीब होगी, जो माँ गरीब होगी बहन गरीब होगी उसको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी पुलिस की भर्ती शुरू की थी और हमने इंतजाम कर दिया, पहले तो परीक्षा लिखनी पड़ती थी, दो 10वां और 12वें की परीक्षा लिखनी पड़ती थी और उसके बाद दो परीक्षाएं लिखनी पड़ती थी तब पुलिस में भर्ती होती थी। हमने तय कर लिया कि इस बार पुलिस की भर्ती होगी तो केवल 10वां 12वें के नंबर ले आना और भाग करके दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। और 1 लाख भर्ती करना है हमें, 1 लाख लोगों को भर्ती नौजवानों को करना है। इसलिए इस मौके पर सिदौली की जनता ने हमेशा हमारी मदद की है। याद रखना चुनाव मनीष जरूर लड़ रहे हैं, चुनाव तो मनीष लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव हमारा भी यही है। लड़ तो मनीष रहे लेकिन चुनाव हमारा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी आ गई आपके साथ। ये साइकिल वाले लोग हमारे नौजवान कभी कभी खुश होते हैं, जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं और तेज चलाते हैं। और सोचो अब तो कांग्रेस का हाथ भी आपके हैंडल पर आ गया तो सोचो कितनी तेज चलेगी साइकिल, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। कम से कम अब लोगों को भरोसा तो हो गया है कि सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, मिलके बनने जा रही है। क्योंकि जो कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया और इसीलिए मैंने कहा हम पे आरोप लगता है कि आपने कांग्रेस को सीटें ज्यादा दे दी। हमने कई मौकों पर कहा कि दोस्ती मजबूत तब होती है जब दिल बड़ा हो। कम से कम समाजवादी लोगों ने ज्यादा खुल करके उनके साथ खड़े होने का काम किया है। और याद रखना अगर कभी कंजूस दोस्त हुआ तो सब सपने मार डालेगा आपके, इसलिए दोस्त आपका कंजूस कभी नहीं होना चाहिए। अभी सुना हमने प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अरे पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया उनका तूफान आंधी चल रही है। इस बार चल भी रही आंधी तूफान
तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आंदोलन चल रही है। और हम लोगों ने बड़ी बड़ी आंधी देख ली। हम समाजवादी लोगों ने अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आंधी आएगी तो खंभा पकड़ना पड़ता है, तिनके का सारा काम नहीं चलेगा। लेकिन हम समाजवादी लोग तो वो है जो आंधियों से टकरा करके सरकार बनाने का काम करते हैं। और हम लोगों को तो आदत भी है आंधी से टकराने की। और याद रखना, जो आंधियों से टकराता है वही आगे बढ़ता है, उसी का सम्मान होता है, समाज में इज्जत भी उसी की मिलती है जो आंधियों से टकराने का हौसला रखता है। इसलिए हम नौजवान हैं, समाजवादी लोग हैं, और उनकी आंधी से तो हम टकरा ही जाएंगे हम लोग। और साइकिल वाले तो जब विपरीत हवा होती है तब भी साइकिल चला लेते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता।